स्वतंत्रता दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मेरे साथ खड़े हैं इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हम मना इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ शहीदों ने और बड़े नंबर में शहीदों ने अपनी जान गंवाई हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए। उसके बाद भी लगातार इस देश की रक्षा करते हुए कई हमारे देवभूमि के जो सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं। आज मैं शहीद देवेंद्र सिंह राणा जी के गांव में हूं। चार पैरा से क्या बहादुरी से लड़े, वो पैरा कमांडर थे यानी कि फ्रंट रो में जो होते हैं ना बड़े बहादुर रहे होंगे वो, और उन दो बहादुर के जो पिताजी और माताजी हैं, माताजी को हाथ भी लगे हुए हैं। ये आज की स्थिति है साहब, और ये घटना थी 5 अप्रैल 2020 की, तकरीबन 4 साल पूरे और 3 महीने और हो चुके हैं। लेकिन आज पिताजी, ये पीछे थोड़ा दुकान में आपको दिखाना चाहूंगा, ये दुकान चला रहे हैं अपने गांव में ही तिनसोली में। ये गांव के दुकान के हिसाब से आप समझ सकते होंगे क्या दुकानदारी चल रही है। पहले तो नमन है आपको और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी। आज भी ऐसे ही है, सड़क का हाल देख रहा हूं मैं। आपके कैसे हालात हैं पहले? ऐसे जैसे पहले था ऐसे, कुछ बदलाव नहीं? कुछ नहीं, सभी चीजें जो आपको तब वादा की गई थी। खैर अब 4 साल बाद पर क्या सब कुछ मिला है आपको? कुछ नहीं मिला, काम नहीं, रोड के बारे में आदम ने वो कह रहे पैसे नहीं आए, पैसे नहीं, काम कब आएगा पैसा। दरअसल ये शहीद, ये जो मोटर मार्ग है तिनसोली का, इसको बात की गई थी कि शहीद के नाम से इसको रखेंगे। थोड़ा आप नजदीक आएंगे, मैं चाहूंगा आप एक बार प्रणाम। खूब शनाब, खूब शनाब। आज 4 साल बेगिन बेटा था जी, जो हाथ कनके लगी, जो हाथ लोटी पड़ी, ये की पन लोटी रोड़ी हूँ, लोटी पड़ी ककर वोटी रोड़ी गोरे फोन फोटो रोड़ी हाथ ढोंगा पर लगी। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बोली, कितना दिन लगा ठीक होने में? यो मेन लग गोल का टूट हूँ तो बाबू हाथ, यो मेन लगी तो अब यो मेन में भी गो तो निवाने बड़े आरु लग जो मेन माता। आप समझ रहे हैं, ये शहीद की माँ है जिन्होंने इस कनके बनून कनके खान जो का तो हमने कनके क्या कर। और इनकी इनकी एक इच्छा थी कि जो गांव की सड़क है ना वो इनके बेटे के नाम पर हो, और हो सकती थी, कई जगह हुई है, उसमें उसमें बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। लेकिन आज भी ग्रामीण, ये सड़क तो है लेकिन ये यहाँ पे ड्राइवर भाई है, थोड़ा पीछे आप देखिएगा इनके टायर नए हैं अभी, थोड़ा आप कैमरा घुमाइए ना उस तरफ देखिएगा, ये समझिएगा कि ये हर बार नए नए टायर लेके नए नए अपने चीजें लेकर यहाँ ऊपर चढ़ते हैं क्योंकि रोड की हालात इतनी खस्ता है कि आप समझ नहीं पाएंगे। और ग्रामीण इसी हाल में, ये तो माँ बाप हैं देखिएगा, ये जस के तस हैं, 15 अगस्त का दिन है, हम थोड़ी देर पहले इनके विद्यालय में भी गए थे गाँव में, वहां पर इनके बेटे का एक स्टैचू लगाया गया है, बहुत अच्छी बात है, शहीद देवेंद्र सिंह जी के नाम से एक स्टैचू लगा हुआ है। उसमें एक चीज बहुत खराब है, वो जो बनाया गया है वो राजकीय पैसों से बनाया गया होगा, वो बनाया गया है राजकीय, उसमें पैसे इसलिए आए होंगे क्योंकि एक शहीद हुआ है, लेकिन उसमें भी नेतागिरी हुई है, वो आप जब भी होगा, मैं बोल भी नहीं सकता इतना बुरा वो है वो चीज, उसमें भी राजनीति करनी है तो करते रहिएगा, सोचिएगा। ये आपने अपनी जेब से पैसे नहीं लगाए जो आप बड़ा बड़ा नाम अपना लिख के चले जाएंगे, ये माँ बाप का नाम शायद अगर होता तो मुझे खुशी होती, इन्होंने परिवार से अपना बेटा खोया है। अब आ रहे हैं सड़क पर, बॉडी क्या हाल चिन सड़ क्या सड़क यार खाना सुना तो कभी बहुत तकलीफ होनी बोलता तकलीफ नहीं हो गारो कर के जा ओंदा। बिल्कुल सही बात है, समझिएगा। और हमारी मातृशक्ति को बड़ा बड़ा वंदन और तमाम चीजें करने के बाद भी यहाँ से अगर कोई कैसे भी, चाहे वो एक्सीडेंट में हो या प्रसव के दौरान हो, कोई अगर सड़क से नीचे जाता होगा तो किस तरह जाता होगा, भले गाड़ियों में जाता होगा पर हालात बहुत अच्छे नहीं है कि उनको बहुत आसान या कंफर्टेबल तरीके से वो जाते होंगे, हैं? बहुत परेशानी छे, गार छे ना डूंगा छे ना, बहुत परेशानी छे। तुम अपन न्योतो तो नहीं बोले कभी की क्या बोलो, बेका खा नेता हम तो मिल रहे नहीं छे ना, कोई नेता नहीं मिल रहा ना, बेका खा नेतो तो बोना मन, अब ओण वाला बोले चिंता नहीं करे, वाला तो बेक वाला तो नहीं होतो ताई, बहुत परेशान छे, तवार भी नहीं, आता तवार भी नहीं छे, रोड छे तन खता कोड़ी खता कोड़ी, और एक स्लाइड भी वही एक जगह पर बीच में, तो भी बहुत हालत खराब, बहुत खराब, जो वही रोड हालत कुछ नहीं रहे,
हम बहुत परेशान छे रोड से एन टाइम पर हम दो कुछ होनो के कन बिल्कुल ये देखिए और ये रोड एथर का कग जानी अब ये रोड थोड़ा ने चारी बंग ना अरे आप डेली चलता नहीं डेली चलता साहब जल्दी ऊपर भाई साहब कितना महीना में बदलना तुम टायर टायर तो छह महीने भी नहीं चलना टायर बताओ बहुत दिक्कत थी गड्ढा फटा चिन्ह और जाने बहुत दिक्कत थी और रोजगार का यही साधन है यही साधन है हमारा कहाँ से कमाए दो चार दस रुपए अगर दिन का कमा भी रहे हो उनको पता है कि यार दो तीन महीने में आप टायर ले लें टायर है फिर कहीं कमानी है कहीं दिक्कत है सही बात है तभी पट्टा टूटता है कचरोड़े फिर बॉडी होती है पूरी गाड़ी हिलते पड़ती है हमारी ये एक चीज नहीं है देखिए सड़क जब होता है ना मैं तो बोलता हूँ या तो वादा ही नहीं होता कुछ ये जीन पहले भी जी रहे थे ये पहले जी रहे थे ये शहीद की माँ है इनकी तो इज्जत करो खाली भाषणों में बड़ी बड़ी बातें शहीदों के लिए शहीदों के लिए ये है शहीदों के लिए हालात ये सच है 15 अगस्त है आज मैं ये कहना नहीं चाहता था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आज प्रोग्राम भी हुआ स्कूल में एक प्राथमिक विद्यालय में जितना कुछ हो सकता था जूनियर हाई स्कूल था वो तो वहां पर जो कुछ हो सकता था सब कुछ हुआ है बच्चों ने अपना बहुत अच्छा दिया है भरसक प्रयास पर फिर मेरी इन दोनों पर नजर जाती है फिर मैं वही मायूस चेहरा आप देखिएगा पार्टियों जी को खींचू सच्ची पार्टियों आपके वादे आपके दावे ये सब यहां दिख रहे हैं इस रोड पे ये अगर ये रोड पहले बनी होती आप बोल रहे हो केवल ये नहीं है यहां नाली बनी होती ये नालियां तक नहीं है यहां और आगे सड़कों पर भी यही हाल है यहां पर शुक्ला जी भी है प्रणाम सर नमस्कार भाई साहब प्रणाम शुक्ला जी क्या है ये मतलब क्यों है ये वादे क्यों है ये इतने भाई साहब सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं कि आपने इस दूरस्थ गांव में आकर के और हमारी आवाज को आगे पहुंचाने का काम जो आप कर रहे हैं इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं और मैं आपकी दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। 31 मार्च 2019 को इस सड़क पे कटिंग कार्य शुरू हुआ था और 2023 में डामरीकरण का काम पूरा होना था लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक जो है वो 2023 नहीं आया अभी तक फर्स्ट पेज का ही काम पूरा नहीं कर पाई सरकार वादे डबल इंजन की सरकार है ये है वो है अलाना है फलाना है डिमका है पसका माना ये अगर एक ठेकेदार काम नहीं कर रहा है क्या इस भारतवर्ष में दूसरा कोई ठेकेदार ही नहीं है बिल्कुल क्या इस उत्तराखंड में कोई दूसरा ठेकेदार नहीं है एक काम नहीं कर रहा उसका बाउंड डाउन करो ना दरअसल ये हुआ क्या है देखिएगा समझिएगा जो अभी ये बोल रहे भाई मैं आ रहा हूं उस पे अभी क्या हुआ यहां के जो ई है जो मतलब एक्शन साहब है उनसे हमने फोन पे बात की बात भी क्या की साहब हमने 4-5 कॉल किया तो उनका कॉल वापस आया वो हमने रिकॉर्ड कर रखा है उन्होंने बोला कि जो पहले का ठेकेदार था वो भाग गया है और भागने के बाद अब यहां पर जब दूसरा ठेकेदार आएगा तब ये काम पूरा होगा 2-3 महीने का उन्होंने समय मांगा है तो क्या लग रहा है आपको 2-3 महीने में होगा ऐसा है भाई साहब जो काम जो है 5 साल में नहीं हुआ 2 महीने में कैसे होगा ये तो असंभव है और एकदम जो है कि ओम गुप्ता जी जो ये एक्शन साहब है ये एकदम झूठे हैं और यहाँ का पूरा शासन प्रशासन ही मेरे को माने को तो झूठा है क्योंकि यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय ने 2 बार जो है जनता दरबार लगा दिया है अच्छा गांव में सबसे पहली प्राथमिकता उसमें सड़क की थी पहली बार जो है एक्शन गुप्ता जी यहाँ जो है कि उसमें आए थे निरीक्षण नहीं वो जो ये लगा था जनता दरबार अच्छा मैंने उत्तराधिकारी जिलाधिकारी के उत्तराधिकारी के रूप में वो यहाँ आए थे उनके सामने ये बात रखी गई उसके बाद हमारे सीएमओ साहब आए थे दूसरे जनता दरबार में वहां भी ये बातें रखी गई अब वो जनता दरबार भी केवल बेमानी ही सिद्ध हुआ क्योंकि जब काम ही नहीं हुआ अभी ये सामने भाई ये मंदिर है यहाँ पे मंदिर के बगल में पुस्ते की बात कर रहे हैं निर्माण कार्य होना था भाई साहब आप ये समझो कि 3 साल से इस मंदिर में पूजा पाठ का पूरा कार्यक्रम बंद है देखो झंडे मिंडे देखो कैसे पड़े हुए वहाँ भजन नहीं हो रहा है कीर्तन नहीं हो रहा है वहाँ पूजा नहीं हो रही पाजा नहीं हो कैसे जाएगा आदमी एक बार हमारी लड़की वहां से नीचे गिर गई मर गई थी वो किसका पूजा किसका पाठ माना ऐसी निकम्बी सरकार और ऐसा निकम्बा जो है प्रशासन मैंने कहीं देखा ही नहीं आप तो बूथ में हैं ऐसे मत बोलो मैं ऐसा है मैं बीजेपी का बूथ अध्यक्ष भी हूं यहां पर जो मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और लोग मेरे को कहते हैं कि जब तुम अपना एक पुस्ता नहीं लगवा पा रहे हो तो तुम काई के बूथ अध्यक्ष हो सही बात कर रहे हैं लोग इसलिए इस सरकार को और इस सारे धंधे झंडे मंडे को हमारा परिणाम है आखिरी परिणाम है ये बड़ी बात है ये आदमी का जब दिल टूटता है ना किसी चीज से मैं आपसे नमन कर दूं फिर बहुत ज्यादा तो कुछ ना पर जो अभी ई हिसाब से हमारी बात हुई है शायद कुछ और मैसेज दियो चाहना आप सरकार थे अभी लोग सुनना वाला मैं तो पहले सुखाम नहीं था
चुकाम हम कम से 5 साल पहले गए हम घूमे। अब बाकी स्वास्थ्य माँ और सब अब तकलीफ तो जान दे। अब ये माँ आए जिनको स्वास्थ्य की सेवा कख लगा आपन जो प्लास्टर कख लगा प्लास्टर रुद्रप्रयाग यू गौर जी 300 दी माँ रुद्रप्रयाग किलोमीटर दूर छी। आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो नजदीक में किसी का फ्रैक्चर हो जाए तो आप उसका पहले तो एक्सरे निकाल पाए या फिर उस पर प्लास्टर चढ़ा पाए? कहाँ है तो बता दीजिए। तो आप रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि हूँ क्लिनिक अगस्त मुनि डिवीजन में हॉस्पिटल हड्डी वाल नहीं साहब हड्डी वाला नहीं है वहाँ साहब। अब फिर वही वाली बात आप मतलब डॉक्टर भी नहीं ये परिवार की बातें हैं ये गांव की बातें हैं इनसे हम आपको छोड़ दिए देते हैं पर समझिएगा इन तमाम चीजों में हम कहां पीछे रह रहे। क्या वाकई देश की सेवा करना भारी पड़ गया इन परिवार वालों को इन गांव वालों को? बड़े जोर से आज नारे भी लग रहे थे उस दिन भी लग रहे थे मुझे याद है तकरीबन 17-18 हजार लोग लाइव देख रहे थे देवेंद्र सिंह राणा जी को जब यहां से हम उनकी अंतिम यात्रा हमने वो की थी भीरी घाट में लेके गए थे। गांव वाले भी ऐसा है चौहान जी जनपद रुद्रप्रयाग के अंदर 3-3 जिलाधिकारी आ चुके हैं। पहले वो एक आए थे उनके पास हम 2 बार गई उसके बाद दीक्षित जी आए 2 बार उनके पास चले गई जो ये अभी गहरवार जी आ रखे 2 बार हम उनके पास भी चले गए इसी रोड के संबंध में। अब आप बोलो इतना पैसा आदमी कहाँ से लाएगा? सही बात है हर बार यहाँ से गाड़ी यहाँ से गाड़ी बुकिंग की जाती साहब रुद्रप्रयाग आगे 3,000 रुपए अगर दो दो के बाद चले गए हैं तो 6,000 एक यानी कि 18,000 रुपए हमने गाड़ी की खाना वाना होता है एक दिन हम इनकी गाड़ी लेके गए राणा जी की गाड़ी लेके भी गई जिलाधिकारी महोदय के पास वहाँ एप्लीकेशन लगाई। हमारा काम है केवल एप्लीकेशन लगाना बाकी वो रद्दी की टोकरी में कहाँ जा रहा है क्या हो रहा है कोई कोई सुनवाई चलिए क्या कुछ होता है समझिएगा बस ये हम चिप्स लोगों को थोड़ी कुछ समझने की बात है अगर समझ में आता है हम क्या बोल जुड़े रहिएगा क्या कुछ होता है परिवार के साथ या गांव वालों के साथ या एई साहब कब इस पर एक्शन लेते हैं। वैसे 2-2.5 महीने का उन्होंने समय दिया है